फिरौन जब बादशाह बना तो उसने हजरत आसिया के घर वालों को अपने महल में दावत दी। तो फिरौन ने हजरत आसिया के वालिद से कहा, मैं हजरत आसिया से शादी करना चाहता हूँ। तो हजरत आसिया के वालिद ने मना कर दिया। तो फिरौन ने धमकी दी कि फिर तुम लोग महल से वापस जिंदा नहीं जा सकोगे। तो मजबूरी में हजरत आसिया के वालिद इस शादी के लिए तैयार हो गए और कुछ दिनों के बाद हजरत आसिया और फिरौन की शादी हो गई। और जब फिरौन पहली रात कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हजरत आसिया इबादत में मशगूल है, क्योंकि हजरत आसिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो करती थी और फिरौन ने अभी तक खुदा होने का दावा भी नहीं किया था। और फिरौन हजरत आसिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए फिरौन इंतजार करते करते सो गया। और इस तरह फिरौन हजरत आसिया से सोबत नहीं कर सका। और जब भी सोबत करने की नीयत से फिरौन हजरत आसिया के कमरे में दाखिल होता तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर उसे सुला देते, और कभी भी फिरौन हजरत आसिया के करीब नहीं आ सका। ये शादी अल्लाह की रजा से हुई थी, क्योंकि अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हजरत आसिया के जरिए करवाना चाहता था, जिसके बदले अल्लाह ने हजरत आसिया को ये इज्जत दी कि फिरौन कभी भी आपके पास नहीं आ सका। और जन्नत में हजरत आसिया का निकाह हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।